हेलो, हम सब कहानियाँ वाले हैं। हम लोग आपको नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो कहानी है चिड़िया अब बहुत सारी दोस्त बनाना चाहती है, तो क्या ये सब उसके दोस्त बनेंगे? आओ देखते हैं। आपने घमंडी चिड़िया की कहानी देखी ही होगी। अब ये घमंडी चिड़िया अब ये दोस्त बनाना चाहती है। इन लोगों को घमंडी चिड़िया से नफरत होने लगी, तभी वो बंदर के पास गई। बंदर ने उछकर उसकी जीप चढ़ाकर आ गया। फिर लोमड़ी आई, चिड़िया ने लोमड़ी को बुलाया तो लोमड़ी ने उसे कहा, तुम यहाँ से जाओ, लीव मी। और फिर शेर की बारी आई, शेर नहीं आया लेकिन हाथी आ गया। फिर हाथी ने कहा, हाथी ने सूंड आते हुए कहा कि मुझे नहीं तुम्हारा दोस्त बनना, जस्ट लीव मी। फिर शेर आया कि उसने कहा मुझे भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनना। शेर भी हंसने लगा और चला गया। फिर आया हमारा गधा, उसने भी अपना हाथ हिलाकर कहा मुझे नहीं बनना, और वो भी चला गया। अब हमारी प्यारी बकरी आई, जो थोड़ी सी, उसने भी अपना हाथ हिलाकर मना कर दिया मुझे भी नहीं बनना, और बंदर फिर उसे चिढ़ाने लगा। फिर गाय को बुलाया, गाय ने भी अपना हाथ हिलाकर कहा मुझे नहीं बनना तुम्हारा दोस्त। मुझे भी तुम्हारे दोस्त नहीं बनना। खरगोश ने अपनी छड़ी घुमाई और भागकर आ गया। और फिर मधुमक्खी की बारी आई। मधुमक्खी उस चिड़िया की दोस्त थी, तो उसने कहा कि तुम जैसा व्यवहार उनके साथ करती हो वैसे ही आज वो तुम्हारे साथ कर रही हैं। तो चिड़िया को बहुत बुरा लगा, उसने फिर से उसे अपने सुंदरता पे घमंड हो गया और वह उन सबसे नफरत करने लगी। अब मधुमक्खी को भी क्या समझ आया, वह कहने लगी कि अब मैं भी तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, और वह घोल घूम के वापस चली गई। चिड़िया ने भी कहा मुझे भी तुम्हारी, चिड़िया को फिर से ठंड लगने लगी। चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाना इकट्ठा करा, लेकिन आज इस बार तो सारे जानवरों ने खाना ही इकट्ठा नहीं कर पाया, तो सारे जानवर भूख से उछलते हैं। सबको भूख लगती है, सबको ठंड भी लग रही होती है। अब ठंड का मौसम होता है तो सबको ठंड तो लगेगी, जैसे चिड़िया को पिछली वाली कहानी में बताया था। लेकिन सब क्या करें, अब चिड़िया से के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि चिड़िया के साथ उन लोगों ने जैसा व्यवहार किया वैसे ही पिछली बार चिड़िया ने उनके साथ किया था। अब शेर सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, तो उसने योजना बनाई कि मधुमक्खी उसकी पुरानी सहेली थी तो वही जाएगी, थोड़ी ना वो गई थी उससे ना है ना दोस्ती तोड़ने। लेकिन मधुमक्खी गोल घूमकर बोली, नहीं 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 मैं भी गई थी, क्योंकि मैं तुम लोगों की फ्रेंड हूँ और तुम्हारे लिए मैं भी चली गई। अब गाय, बकरी, शेर, लोमड़ी, खरगोश, बंदर और हाथी और गधा, अब ये सबको तो बहुत ठंड लगने लगी। वह सब उससे माफ़ी मांगने गए,
और उसने कहा, मैं तुम सबको माफ करती हूँ। और वह भी हंसने लगी शेर की तरह। वह दोनों एक दूसरे को जोक सुना। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी पार्ट टू है, चिड़िया क्यों घमंड। अब ये चिड़िया घमंडी थी, अब हम घमंडी हो गए थे। तो इसका मतलब है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से हर चीज़ का नुकसान ही होता है, जैसे अभी हमारा हुआ था भूख की वजह से। तो हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।